हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट एग्जाम। फ्रेंड्स, आज 22 जुलाई 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नेक्स्ट एग्जाम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। AIIMS यानी एम्स उत्तर भारत के पहला सरकार द्वारा संचालित बैंक स्थापित करने के लिए किस शिक्षण संस्थान के साथ काम कर रहा है। एम्स जो है उत्तर भारत के पहले सरकार द्वारा संचालित बैंक स्थापित करने के लिए किस शिक्षण संस्थान के साथ काम कर रहा है। आईआईटी दिल्ली। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आईआईटी दिल्ली के साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से उत्तर भारत के पहले सरकारी संचालित त्वचा बैंक सुविधा स्थापित करेगा। यह बैंक जनरली त्वचा दान की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करेगा। फ्रेंड्स, एम्स का फुल फॉर्म द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, और आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड। निम्नलिखित में से किस बैंक ने MSMEs के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंस्टाबिज अनावरण किया है। किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यह लघु और मध्यम उद्योगों और सुनियोजित ग्राहकों को लक्षित करने और उन्हें अपने व्यापार बैंक के लेन देन को डिजिटल और तुरंत करने में सक्षम बनाएगा। मतलब फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने जिलों के निर्माण के बाद तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, यानी दो जिलों के निर्माण के बाद अभी हाल ही में फ्रेंड्स दो नए जिले बनाए गए हैं, तो दो नए जिलों के बाद में तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या 35 हो गई है। कितनी? 35। कांचीपुरम जिले को काट कर चेंगलपट्टू और तिरुनेलवेली जिले को काट कर तेनकासी जिला, यानी कांचीपुरम जिले से चेंगलपट्टी और तिरुनेलवेली से सरकार ने तेनकासी जिले को बनाया है, तो इन दोनों जिलों को शामिल करके टोटल जिलों की संख्या तमिलनाडु में 35 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर चैंपियंस गोल्फ FCG यानी फ्यूचर चैंपियंस गोल्फ कालवे जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप 2019 जीती? किसने जीती? अर्जुन भाटी ने। किसने? अर्जुन भाटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत के अर्जुन भाटी ने कैलिफोर्निया के पाम डेजर्ट में फ्यूचर चैंपियनशिप गोल्फ कालवे में जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप 2019 जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो संजीव कुमार सिंगला जी को इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इजराइल की कैपिटल क्या है? तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम कई नामों से जाना जाता है, तो कैपिटल एरूसलम या जेरूसलम। यहाँ के प्रेसिडेंट रेवेन रिवलिन जी हैं। कौन? रेवेन रिवलिन। अगर पीएम की बात करें, इजराइल के पीएम प्रेजेंट टाइम में बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। फ्रेंड्स, कभी कभी यह क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इजराइल की संसद का नाम बताइए, तो इजराइल की संसद का नाम निसेट है। क्या? निसेट। और मुद्रा की बात करें
इजराइल की मुद्रा न्यू सेकल है, क्या न्यू सेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, टोक्यो में या हांगझू। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी हांगझू, चाइना में हांगझू, चाइना के हांगझू शहर में 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वरूप दत्ता का निधन हो गया है, किसका निधन हो गया है, स्वरूप दत्ता का निधन हुआ, वह किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए थे, वो बंगाली सिनेमा से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्वरूप दत्ता बंगाली सिनेमा से जुड़े हुए थे। फ्रेंड्स, स्वरूप दत्ता जी की कुछ फेमस फिल्में हैं, कुछ प्रसिद्ध फिल्में जैसे सगीना महतो, हारमोनियम एवं पिता पुत्र, ये इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो नया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को नियुक्त किया गया है, आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नए राज्यपाल की नियुक्ति, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी बने हैं, कौन, जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल लालजी टंडन जी बने हुए हैं, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी, कौन, फागू चौहान जी बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जी त्रिपुरा के राज्यपाल कौन बने हैं, तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल रमेश भैंस जी बने हैं। नागालैंड के नए राज्यपाल आर एन रवि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क, फ्रेंड्स यहाँ पहले की बात है इसलिए आप जरूर इसे ध्यान रखें, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ खोला जाएगा, केरला में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, प्रेजेंट टाइम में केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी हैं, और यहाँ के गवर्नर, प्रेजेंट टाइम में केरल के गवर्नर पी सदाशिवम जी हैं, कौन, पी सदाशिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2019 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर जीता, तो मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर IPL 2019 का खिताब जीत लिया। और फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जी थे और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स IPL 2019 से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि IPL 2019 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 23 मार्च से 12 मई 2019 तक IPL 2019 का आयोजन हुआ। प्रायोजक अगर पूछ लिया जाए तो प्रायोजक IPL 2019 का प्रायोजक वीओ था। टोटल टीम की संख्या IPL 2019 में 8 थी, कितनी, 8। और टोटल मैच कितने मैच खेले गए, टोटल मैच 60 खेले गए। सबसे महंगा खिलाड़ी की बात करें तो IPL 2019 की जयदेव उनादकट एवं वरुण चक्रवर्ती IPL 2019 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभरे। और एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी हाल ही में दिल्ली डेयर डेविल्स का नया नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो दिल्ली डेयर डेविल्स का नया नाम चेंज करके किसका, दिल्ली डेयर डेविल्स का नया नाम चेंज करके दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया। सर्वाधिक बार IPL जीतने वाली टीम, फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस सर्वाधिक 4 बार जीतने वाली, यानी सर्वाधिक 4 बार IPL को जीतकर सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम बन गई। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन आंसर फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किन क्रिकेट खिलाड़ियों को फर्स्ट सूची में, यानी कौन कौन से ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारतीय कि जिन्हें फर्स्ट सूची में ही, यानी जब 2 जनवरी 2009 को
आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम की सूची जारी की गई, तो उसमें किन भारतीयों को शामिल किया गया, इन किन भारतीयों को जगह मिला, तो कौन कौन, बिशन सिंह बेदी जी, सुनील गावस्कर जी या कपिल देव जी। तो फ्रेंड्स इन तीनों लोगों को यानी उपर्युक्त सभी ऑप्शन डीज करेक्ट ऑप्शन, इन तीनों लोगों को फर्स्ट सूची में ही स्थान प्राप्त हुआ। टुडे क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स, प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बना हुआ दिखाई देगा। उस बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक कर लें ताकि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाए। तो स्टडी नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।